these. मैं क्यों भागी ना भागे तो कुछ नहीं कहा ना कुछ ना तो भागे मत तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं शत्रुघ्न बाबा एक बार फिर से। रात का लगभग 12 बज रहा है और भैया के घर में नहीं बल्कि एक बसवाड़ी है ना, और इसी में सांप निकला हुआ है और आप वहीं पे सांप को देखे हैं जी? मतलब घर में नहीं गया वहीं नहीं, पे जहां है वहीं पर। अच्छा, कैसे दिख गया? खड़खड़ाया बांस तब दिखा। अच्छा, बांस के ऊपर सांप चढ़ के बैठा हुआ है, खड़खड़ाया है बांस तब पता चला है। और जिस जगह पे सांप है देखकर मतलब अच्छे अच्छे लोग काफी भयभीत हो गए हैं। और चलिए हम आप लोग को भी दिखाते हैं। चलिए इधर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बसवाड़ी है और जो वहाँ पे बीच में देख रहे हैं वहाँ पे सांप बैठा हुआ है। और सांप कोई छोटा मोटा सांप नहीं, सांप एक बिग साइज का कोबरा है। देख सकते हैं किस तरह। चलिए चलते हैं नजदीक में और फिर दिखाते हैं आप लोग को। चलिए चलते हैं बीच बास के अंदर। और देख सकते आप थोड़ा उधर ही है तो हो सकता है कि सांप की संख्या एक से ज्यादा भी हो, क्योंकि सांप थोड़ा सा घायल अवस्था में लग रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सांप बांस के ऊपर तो अधिकतर धामिन सांप रहते हैं जिसे हम लोग रैट स्नेक के नाम से जानते हैं। और ये कोबरा देख सकते हैं, व्हाइट स्पेक्टिकल्ड कोबरा जो साक्षात काल बन के इस बांस के ऊपर बैठा हुआ है। और देख सकते हैं चारों तरफ नजर बना के रख रहा है, थोड़ा तनिक भी इधर उधर होने पर ये हमला करने में तनिक भी चूक नहीं करेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सांप किस तरह से हमला कर रहा है। और अभी ये सांप बांस के ऊपर ही चढ़ेगा, काफी तेज रफ्तार में चढ़ने का प्रयास करेगा। और देख सकते हैं ये सांप ऊपर की तरफ कितना तेज गति से चल रहा है। नजदीक से थोड़ा ही कोई नहीं छोटा है। मैं क्यों भागी ना भागी कुछ नहीं कहा ना कुछ ना तो भागे मत। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से ये सांप हमला करने में तनिक भी चूक नहीं रहा है और काफी खतरनाक तरीका से ये सांप जो है देख सकते हैं किस तरह से ये सांप हमला कर रहा है। और टू पोजीशन टॉर्च हुआ तो नहीं देखा, टॉर्च को देख लीजिए, दिखाई की बंद करिए कैमरा मैन देख लीजिएगा, टॉर्च बंद कर दीजिए, बंद कर दे टॉर्च।
दोस्तों फाइनली अब हमसे सांप नीची अवस्था में आ गया है और अब यहाँ पे पोजीशन मिलेगा और तुरंत अपने पोजीशन के अनुसार इस सांप को हम पकड़ेंगे। देख सकते हैं सांप भी जो है ऊपर की तरफ भागने का पूरा प्रयास कर रहा है और पूरा जो है देखते हैं आखिर सांप कितना रफ्तार से ये सांप बांस के ऊपर चढ़ सकता है। ना भूलाई था ये सांप बांस के ऊपर तो दोस्तों फाइनली इस सांप का मुंह हम पकड़ लिए हुए हैं। मुंह पकड़ना काफी जरूरी था, देख सकते हैं किस तरह से खड़ा है, टूटा फूटा बांस है और कब ये टूट के गिर जाए कोई इसका यकीन नहीं है। और दोस्तों इतना रिक्सी काम देखने में ही लग रहा है लेकिन काफी हम सावधानी से अपना काम कर रहे हैं और फाइनली आइए सांप को यहाँ से निकालेंगे। काटने का प्रयास कर रहा है। चलो भागो। नीचे थोड़ा धीरे 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 पीछे है। तो दोस्तों फाइनली सांप को हम लोग वहां से ला दिए। दोस्तों देख सकते हैं इस सांप को पकड़ना काफी कठिन था और चलिए पहले चलते हैं उधर पीछे हो जाए। लाइट वाला तो मत भागा डर के इन्होंने ना भागिया तनि अभी डेराइल बटे खाली करा के एथी दे दिया जाओ कि भाई ये करा के मारल ना जी। थोड़ा ना वहाँ का टेंशन मत लो, वीडियो यूट्यूब पर देख लिया। तरीका से तो दोस्तों आइए अब इस सांप को हम डिब्बे में रखते हैं और फिर इसको ले जाके छोड़ दिया जाएगा। रहिए नाग बाबा। जाइए चले जाइए। तो दोस्तों फाइनली इस सांप को डिब्बे के अंदर रख दिया गया और चलिए इसको छोड़ेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। काफी ज्यादा गर्मी भी हुआ है। ए, बाबा का पानी पियो।